देख रहे हैं हेडलाइंस डेली एचडी न्यूज़। इन दिनों AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में कई तरह की धारणाएं, चिंताएं, भ्रम सुर्खियों में चल रही हैं। युवा जगत में विशेष रूप से इस AI को लेकर काफी उथल पुथल और वाद विवाद के हालात बने हुए हैं। युवाओं की इन सब धारणाओं को दूर कर AI की वास्तविकता को सामने लाने और उनसे प्रति सजगता बरतने के उद्देश्य से इस्कॉन दिल्ली के विद्वान संत और मोटिवेशनल स्पीकर अमोघ लीला प्रभु 15 सितंबर को इंदौर में रेस कोर्स रोड स्थित बास्केटबॉल कॉम्प्लेक्स पर शाम 5 बजे से आनंदम 30 सेमिनार में AI के युग में प्रेम और आध्यात्मिकता जैसे दिलचस्प विषय पर अपने विचार व्यक्त करेंगे। इंदौर में वह उनका पहला सार्वजनिक आयोजन है, लेकिन देश के प्रमुख वक्ताओं में उनकी गिनती होती है। इस्कॉन मंदिर के अध्यक्ष स्वामी महामंदास, रणवीर कृष्ण प्रभु, चिन्निकेतन प्रभु, अद्विधरण प्रभु एवं मीडिया प्रभारी हरि अग्रवाल ने आज पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि कॉलेजों के विद्यार्थियों एवं शिक्षकों के बीच अमोघ नीना प्रभु का नाम जाना पहचाना है। YouTube से लेकर सोशल मीडिया के अन्य सभी माध्यमों पर उनका युवा वर्ग में बहुत गंभीरता से सुना जाता है। बास्केटबॉल कॉम्प्लेक्स पर होने वाले इस आयोजन में इस्कॉन के टॉक बैंक द्वारा हरिनाम संकीर्तन की प्रस्तुति भी होगी। करीब 3.5 घंटे चलने वाले अनूठे आयोजन में अमोघ लीला प्रभु जी युवाओं के प्रश्नों के उत्तर भी देंगे और उनकी जिज्ञासाओं का समाधान भी करेंगे। जीवन में प्रेम और अध्यात्म के मामले में AI की भूमिका पर यह दिलचस्प कार्यक्रम होगा। इसके लिए बास्केटबॉल कॉम्प्लेक्स पर ऑन स्पॉट पंजीयन तथा कार्यक्रम समापन पर प्रसादम वितरण की व्यवस्था भी रहेगी। उन्होंने बताया कि इस्कॉन द्वारा आनंदम 3.0 का यह आयोजन युवाओं के लिए विशेष रूप से महत्व और मायने रखता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर देश दुनिया जो कुछ चल रहा है उस पर अमोघ लीला प्रभु का व्याख्यान अत्यंत तथ्यात्मक और दूरदर्शिता वाला साबित होगा। इंदौर में लगभग सभी स्कूल कॉलेजों के छात्र द्वाशाओं और शिक्षकों को भी इस व्याख्यान में न्योता दिया गया है। इसके बारे में आप थोड़ा बताएंगे। हरे कृष्णा। तो है, हम ये बताना चाहेंगे कि जो युवाएं हमारे एक आध्यात्मिक को स्वीकार करें, दूसरा जो है जो समस्याएं हैं, जैसे AI की समस्या है और भी समस्याएं हैं, कितनी कितनी सारी समस्याएं हैं, क्योंकि कलयुग तो समस्याओं से भरा हुआ है। बट समस्याएं जैसे गर्मी है, गर्मी तो आती है, सर्दी आती है, लेकिन इनको कैसे हम फेस करेंगे? गर्मी में अपना ठंडा चीज़ से आप AC में, कूलर में, आप मतलब ठंडे एरिया में जा करके, गर्म एरिया मतलब गर्मी है तो ठंडे एरिया में जाओ, ठंडी है तो गर्म एरिया में गर्म कपड़े पहन करके कर सकते हैं। ऐसे ही इस समस्याओं का जो समाधान है वो आध्यात्मिक से होता है, क्योंकि सारी समस्याओं का समाधान आध्यात्मिक है। क्योंकि ये जो संसार है, ये संसार जैसे जेल है, जेल जो है समस्याओं के लिए बनाई है, जो समस्या क्रिएट करते हैं उनको जेल भेजा जाता है, इसलिए संसार भी एक जेल है। तो ये जो चीज़ें हैं, जो स्पिरिचुअल जो गाइडेंस आप सबको और विशेष करके यूथ को हम दे रहे हैं, क्योंकि यूथ यदि इस चीज़ को ग्रहण करता है तो हम ये गारंटी देते हैं कि ये जो समस्या आ रही हैं उनको आसानी से फेस कर जाएंगे वो लोग। हर व्यक्ति जो सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ है, AI से जुड़ा हुआ है, जी, तो क्या कहना चाहेंगे, किस तरह की समस्या आपने देखी है युवाओं में और उसको दूर करने की कोशिश करेंगे? एक्चुअली इसके बारे में जो है प्रभु जी जो है ज्यादा AI के बारे में ज्यादा सुना नहीं। आपका परिचय? मेरा परिचय है कि मैं इस्कॉन वृंदावन से हूँ और लगभग 35 साल से मैं इस्कॉन वृंदावन हूँ। पूरा देश विदेश में, भारत भूमि में मैं प्रचार प्रसार करता हूँ। और अभी मैं वैसे महाराष्ट्र में था, फिर अभी इंदौर आया हूँ, यहाँ से फिर मैं गुजरात जाऊँगा। तो बहुत सारी चीज़ें जो हमारे ज़माने में नहीं थी, क्योंकि हम भी थोड़ा पुराने ज़माने के हैं और ये सब चीज़ें नए ज़माने, तो नए नए सुनकर के हमें भी थोड़ा आश्चर्यचकित लगता है। लेकिन इतना हम कहेंगे, हम गारंटी दे रहे हैं, यदि आध्यात्मिक का इस संसार में जो है स्थापित हो जाए, ये सब समस्याओं का समाधान हो जाता है। लोगों के मन में तब उत्पात होता है जब उनके जीवन में आध्यात्मिक नहीं है, लेकिन जो आध्यात्मिक को थोड़ा भी समझा है वो उत्पात कभी नहीं करेगा। हालांकि कोई भी चीज़ अच्छी भी है
जैसे एआई को हम अच्छा भी समझ रहे हैं ना, बुरा भी है। बुरा कब होता है? जब इसका मिसयूज होता है, फिर वो हमारे जीवन में समस्या बनती है। लेकिन इसी एआई को जो है हम आध्यात्म से जोड़ करके इसको प्रचार प्रसार में लगाए तो ये जो है हमारे लिए एक बहुत बड़ा मतलब कारगर हो सकता है हमारे लिए, तो इतना हम जरूर कहेंगे। बाकी तो थोड़ा सा कौन इंदौर, हम सभी इंदौर वासियों के लिए एक बहुत ही एम्पावरिंग यूथ फेस्टिवल लेके आ रहा है। आज इंदौर सभी जितने भी 350 से ज़्यादा कॉलेजेस हैं पूरे के पूरे मध्य प्रदेश के लिए एक सेंटर बन चुका है। सभी यूथ इंडिया के, स्पेसिफिकली मध्य प्रदेश के, यहाँ पर आ रहे हैं पढ़ने के लिए। और एआई, दैट इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हम सभी यूथस्टर्स के लाइफ में बहुत इन्फ्लुएंस करता है। इसीलिए कई बच्चे हैं जो भटक भी रहे हैं, कई सारे बच्चे हैं जो अपने घर परिवार से दूर होकर सिर्फ मीडिया में, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टिकटॉक जैसी ज़िंदगी में रहते हैं। और चाइना के बारे में यदि आप जानना चाहते हैं, चाइना फेस रिकग्निशन यूज़ करता है और अपने देशवासियों के कई सारे फैक्ट्स को वो कैप्चर करता जाता है। और इसी तरीके से एआई कई सारे लोगों की ज़िंदगियों में बहुत अफेक्ट कर रहे हैं। इसी फैक्ट्स को बताने के लिए और हमारे देशवासी, हमारे भारतीय इंदौरी यूथ को बचाने के लिए इस्कॉन इंदौर अमोघ लीला प्रभु जी द्वारा ये बहुत ही सुंदर सा एक यूथ फेस्टिवल ला रहा है जिसका नाम है आनंदम 3.0। आप सभी से निवेदन है, कृपया करके संडे 15 तारीख को अवश्य आइए बास्केटबॉल कोर्ट में, और इसके लिए रजिस्ट्रेशंस जारी है, ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशंस भी हो रहे हैं। कृपया आइए और अपनी और हमारी खुशियों को बढ़ाइए। आपका नाम? मेरा नाम है महासुंदरी राधा देवीदासी। प्रोफेशनली मैं एक प्रोफेसर हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई में, साथ ही मैं एक टीवी एंकर और एक होस्ट भी हूँ हरे कृष्ण टीवी के साथ। थैंक यू वेरी मच। हरे को अभी हम सभी ने बताया कि आयोजन अमोघ लीला प्रभु द्वारा किया जा रहा है, और ये आनंदम जो सीरीज़ है 1.0, 2.0 एंड 3.0, तो हर एक या दो साल में इस्कॉन जो है इस तरह के आयोजन करता है। और जो हम लोगों का टारगेट रहता है वो यूथ रहता है। जैसा भी आपको ज्ञात हुआ है कि आज इंदौर एक एजुकेशन हब बन चुका है, और यहाँ पे युवाओं की अपार भीड़ आ रही है। हर गांव से, अलग अलग शहरों से लोग इंदौर को ही सेंटर मान रहे हैं, क्योंकि हर चीज़ में इंदौर सबसे आगे है। बट अगर हम देखें यहाँ पर टेक्नोलॉजी का जो मिसयूज़ हो रहा है वो बहुत ही गलत तरीके से, क्योंकि इसका जो पॉजिटिविटी है वो तो है ही, बट साथ में बच्चे इसको नेगेटिव ज़्यादा यूज़ करते हैं टेक्नोलॉजी को, जो दिन पे दिन आज एआई के नाम से आ रहा है। मशीन लैंग्वेज ऑलरेडी इसके पीछे जो आने वाला है, शुरुआत जो हुई थी इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से हुई थी, और इसका अंत क्या होगा, जैसे कि अभी आपको बताया कि ये जो ले जा रहा है हमें बिल्कुल गलत दिशा में लेके जा रहा है, जो टेक्नोलॉजी लेके जा रहा है, क्योंकि इसका मिसयूज ज़्यादा है। अगर हम इसका पॉजिटिव यूज़ करेंगे तो डेफिनेटली हमारे जीवन को सरल बनाता है। बट आजकल जो है बच्चों के दिमाग में नेगेटिविटी ज़्यादा चलती है, वो कंस्ट्रक्टिव माइंड कम रहते हैं, वो डिस्ट्रक्टिव माइंड के ज़्यादा रहते हैं। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उससे बच्चों को पॉजिटिविटी नहीं देखने, उससे कहते हैं कि नेगेटिविटी में क्या हम गलत काम जल्दी से जल्दी कर सकते हैं। तो उसी के लिए जो हमारे अमोघ लीला प्रभु हैं, जो बहुत ही अच्छे व्याख्यान देंगे कल, और बच्चों को सही राह पे कि आपको जो टेक्नोलॉजी है उसको यूज़ करें, बट उसको कैसे पॉजिटिव वे में यूज़ करके अपने जीवन को कैसे सरल बनाएं और उससे कैसे आप आगे बढ़ सकते हैं। आपका परिचय? मेरा नाम अधरीधरन दास, मैं इस्कॉन इंदौर में सेवा देता हूं। मैं आईटी प्रोफेशनल हूं, मेरा आईटी का बिज़नेस भी है, बट अभी पहला जो काम है वो हरे कृष्णा जो मूवमेंट है हमारे श्री प्रभुपाद जी का, उसको आगे बढ़ाना है। हरे कृष्णा। मैं हूं सोनू सूद और आप देख रहे हैं HD न्यूज़। नमस्कार, मैं आशुतोष राणा। HD न्यूज़ के सभी दर्शकों को मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। हाय, मैं हूं दीपिका सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज़। हाय, मैं हूं बिंदु दारा सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज़।